हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फास्ट इन्फॉर्मेशन में। बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना BSSC के माध्यम से 12th लेवल मेंस एग्जाम हो चुका है। इनके रिजल्ट के रिगार्डिंग ऑफिस खुद एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके बताया था कि 25 फरवरी तक आप लोगों के रिजल्ट आने की संभावना है। हम आज एक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिनके माध्यम से आपको मैं क्लियर कर दूँ कि क्या सच में 25 फरवरी तक आप लोग का रिजल्ट आएगा या फिर कब तक आएंगे, आपको स्पष्ट मालूम चल जाएगा, खुद ब खुद समझ जाएंगे। साथ ही दोस्तों बता दूं कि टाइपिंग करने का सही तरीका क्या है, टाइपिंग कैसे करें, किस फॉन्ट पर करें, इसके लिए भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है, वो भी नोटिफिकेशन दिखाते हैं और आप डिटेल्स में देखिए कि क्या सच में रिजल्ट आएगा तो कब तक आएगा और टाइपिंग टेस्ट कब होगा। दोस्तों आप एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है 19 फरवरी के डेट में, आज के डेट में, इसको देखते हैं पहले और आपको पता चल जाएगा कि क्या सच में डिपार्टमेंट ने जो बताया था कि 25 फरवरी तक आप लोग का जो रिजल्ट आएगा। देखिए नोटिफिकेशन खुद डिपार्टमेंट लिखा है, डाउनलोड करके खुद से भी देख सकते हैं, 25 फरवरी तक रिजल्ट आने की संभावना है। इसके रिगार्डिंग हम आपको प्रूफ के तौर पर दिखाना चाहता हूं कि क्या सच में आएगा या नहीं। तो चलिए नोटिस देखते हैं। नोटिस जो आवश्यक सूचना करके जारी किया गया है उनमें ये लिखा हुआ है, आयोग कार्यालय के द्वारा आयोजित की गई प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा 2014 में वाइसेक विद्यार्थी जिनके द्वारा कंप्यूटर टंकन से संबंधित पदों का विकल्प दिया गया है के लिए कंप्यूटर टंकन परीक्षा आयोजित करने हेतु अल्पकालीन निविदा प्रकाशित की जा रही है। निविदा 22 फरवरी 2021 से 3 मार्च 2021 तक 5 बजे तक निबंधित डाक के माध्यम से मोहरबंद लिफाफे में निविदा भेज सकते हैं। इच्छुक प्रतिष्ठान चाहे तो उक्त निर्धारित तिथि एवं समय से पूर्व आयोग के कार्यालय के पूछताछ काउंटर पर सील लिफाफे में निविदा जमा कर सकते हैं। यानी कि इस नोटिफिकेशन में ये क्लियर कर दिया गया कि प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा का टाइपिंग टेस्ट लिया जाना है। अब टाइपिंग टेस्ट लिए जाने के लिए कोई प्रतिष्ठान तो चाहिए, टाइपिंग टेस्ट वाला कोई इंस्टीट्यूट तो चाहिए। वैसे इंस्टीट्यूट के लिए एक निविदा जारी किया गया है जिनके माध्यम से बताया जा रहा है कि आप 2 मार्च तक 5 बजे तक अपना सील्ड लिफाफे में अपना जमा कर दे और आप लेना चाहते हैं निविदा, आप अपने इंस्टीट्यूट में टाइपिंग टेस्ट करवाना चाहते हैं। तो यानी कि यह तो क्लियर हो गया कि 3 मार्च तक निविदा लेगा, तो लगभग समझिए कि 10 मार्च तक ये भी फिक्स हो जाएगा कि सेंटर कहाँ होने वाला है टाइपिंग का और सच में टाइपिंग होगा। यानी कि इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि सच में 25 फरवरी तक रिजल्ट आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। अगर आप लोगों की रिजल्ट 25 फरवरी को नहीं आती है तो फिर मार्च के, याद रखिए मार्च के फर्स्ट वीक तक आप लोग को रिजल्ट 99% कन्फर्म आने की संभावना है। तो इसीलिए दोस्तों आप अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ाइए, दिन दुगुनी रात चौगुनी करके अपनी टाइपिंग कीजिए, आप लोग की रिजल्ट मार्च के फर्स्ट वीक तक आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। क्योंकि यहाँ पर निविदा के माध्यम से क्लियर कर दिया जा रहा है कि टाइपिंग के लिए आप इंस्टीट्यूट दीजिए जिनको टाइपिंग लेना है। और आपको कैसे करना है टाइपिंग, टाइपिंग के लिए ऑफिशियल नोटिस भी जारी किया जा चुका है। जिन कैंडिडेटों को टाइपिंग टेस्ट देना है वो मंगल फॉन्ट पर जाकर प्रैक्टिस करें, मंगल फॉन्ट पर ही आपको टाइपिंग लिया जाएगा। अब टाइपिंग देने के लिए आप लोग एक कटअप चाहिए, उस कटअप को पार करेंगे तो आपकी रिजल्ट आएगा। तो कटअप वाली वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, बनाकर आप लोग देख लीजिए। आप लोग उतना कटअप पार कर रहे हैं, आप लोग का अनुमान है कि सही क्वेश्चन बनाए हैं तो फिर आप टाइपिंग कर सकते हैं। ऐसे जितने भी कैंडिडेट एग्जाम दिए हैं सारे कैंडिडेट को कहना चाहूँगा कि सारे कैंडिडेट अपना टाइपिंग स्टार्ट कर दे, जितने भी कैंडिडेट एग्जाम दिए हैं, क्योंकि इस बार जो रिजल्ट होने वाला है मेंस का टाइपिंग के लिए बहुत ही कम कटअप जाएगा। इसलिए जितने भी कैंडिडेट लगभग सारे टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए, आप लोग की मार्च तक टाइपिंग होने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। इसके लिए नोटिस भी जारी किया जा चुका था कि 25 फरवरी तक आप लोग की रिजल्ट आने की संभावना है, निविदा भी जारी कर दिया। तो इस तरह से आप लोग की रिजल्ट मार्च के फर्स्ट वीक तक आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। इसी तरह के सारे न्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें। हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी डायरेक्ट जुड़ के हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखते रहे फास्ट इन्फॉर्मेशन, कोई और भी नया न्यूज होगा तो आपके लिए सबसे पहले लाएगा फास्ट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।